वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन इसके साथ ही चुनावी रंजिश पनपती नजर आने लगी है। एक दूसरे पर फफ्तियां देख लेने जैसी बात सरेआम की जा रही है। आज मेरठ हस्तनापुर सीट से 99,000 वोट लेकर हारे पूर्व विधायक व सपा नेता योगेश वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात समर्थक तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जीतते बहुत लोग हैं, लेकिन जो हरकतें यह कर रहे हैं वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, लेकिन अभी वक्त खराब है, इसलिए इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। शासन प्रशासन को यह देखना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना चाहिए। जो लोग जीते हैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि जीते तो हम भी कई बार हैं, लेकिन कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। ऐसा कुछ ना करें कि आमना सामना होने पर नजरें भी न मिला सके। आइए देखते हैं क्या कहा योगेश वर्मा ने। साथियों नमस्कार, जय भीम। साथियों मैं परसों भी आया था आपके बीच में लाइव कहने के लिए, और कुछ जरूरी बातें मेरे दिमाग में आ गई कि जो मुझे आपसे बात करनी है। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और मेरी बात को साथियों तक, दूसरे लोगों तक, अपने साथियों तक, सब तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव अभी हम लड़के और काउंटिंग होके घंटा है, उसी के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है। साथियों सबसे पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे 1,00,000 वोट, 1,00,000 से ज्यादा वोट दिया है। 1,00,000 से ज्यादा वोट देकर आपने उस मंजिल पे खड़ा कर दिया है कि सामने वाला बहुत परेशान है। थोड़ी सी कमी रह गई थी, अगर 3,500 वोट मुझे और उधर जो गलत तरीके से चली गई, चाहे बेईमानी से समझ लो चाहे कैसी भी समझ लो, जिसमें उन्होंने पूरी ताकत पूरे जोर लगाए, अगर वो वोट मेरे पास रह जाती तो जीत जाते। लेकिन मैं 1,00,000 लोगों के लिए तो आज विधायक हूँ, 5,000-6,000 वोट तो उनकी ज़्यादा हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरा एक बात आप लोगों से कहना है, आप देख भी रहे हैं आज पूरी तरीके से उन्होंने होली खेली, जुलूस निकाले, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे समर्थक हैं, उनके दरवाजों के सामने उन्होंने ढोल नगाड़े बजा के पटाखे वटाखे चलाए हैं। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि इस समय थोड़ा सा खराब है, बिल्कुल भी कहीं झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है। होली का समय भी है अभी नजदीक, उनको जितना हुड़दंग मचाना है मचाने दो, सब्र रखें सब्र, बिल्कुल भी अपना गुस्सा नहीं लाना है। मुझे मालूम है हमारे समर्थक जो भी हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है उनको मालूम है 1,00,000 से ज़्यादा हैं वे लोग, वो भूल कर रहे हैं 1,00,000 कम नहीं होते हैं। 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे वोट दिया है, और उनको 1,06,000-07,000 वोट ने दिया है, तो सोचने वाली बात है कि आपको भी कोई विधायक से कम वोट नहीं मिली हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है, संयम से काम लेना है। वो उत्पात मचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं, आपसे झगड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, अगर एक बार भी झगड़ा कर दिया आप लोगों ने तो गलत हो जाएगा। वो आपको फंसाना चाहते हैं, आप पे मुकदमे दर्ज कराना चाहते हैं, आपको बिल्कुल यानी कि बर्बाद करने की कगार पे हैं वो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, बिल्कुल किसी के पंगे में मत पड़ना, किसी के झगड़े में मत पड़ना, किसी भी चक्कर में मत पड़ना है। आपको समय का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंतजार करना है। और एक बात मैं और उनसे कहना चाहता हूँ, डरते हम किसी से नहीं है, समय खराब है,
कभी वो ये समझें कि हम डर के मारो ऐसी बात कर रहे हैं, हम झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते, लोगों ने 1,00,000 लोगों ने हमें वोट दिया है, वो अपने गलत फहमी निकाल देना जो इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, सभी लोगों से जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं वो बाज आ जाए। और मेरे प्रशासन से भी ये कहना है कि इनकी इन हरकतों पे थोड़ा ध्यान दो, कोई बड़ा बवाल ना करा दें ये। मैं कहाँ तक अपने लोगों को समझाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता एक तो परेशान हैं, मेहनत करी उन्होंने और उनकी दुकानों पे उनके घरों पे जाके इशारेबाजी कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। अरे हार जीत तो लगी रहती है, हम भी विधायक थे, आज मेयर हैं, लेकिन इस तरीके की हरकत नहीं की होगी जीतने के बाद हमने, जो गलत सलत तरीके से आप लोग किसी के कहीं किसी कहीं। और मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि इन फसादों में नहीं पड़ना है। और अतुल प्रधान जी सरधना में अच्छी वोटों से जीते हैं, बिल्कुल सरधना और हस्तनापुर बराबर बराबर में। मैं अपने समाज के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, कि मेरे आह्वान पे आप लोगों ने जो अतुल प्रधान जी को वोट देकर जिताया है उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, अतुल प्रधान जी को जिताना भी बहुत ज़रूरी था, आपका दिल से आभार है। और मुझे मालूम है जिस दिन वोट पड़ रही थी मेरे समाज के एक व्यक्ति का सिर फोड़ दिया था इन लोगों ने, मेरे समाज के लोगों के दरवाजों पे लाते मार रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी संयम बना के रखें, लेकिन मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से आपको, क्योंकि मैं आया था दोराला में आके मैंने बात कही थी आपसे, अपने दिल की बात कही थी। आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर अतुल प्रधान जी को वोट दिया, इसके लिए मैं पूरे परिवार का, आपका, सभी साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अपने हस्तनापुर क्षेत्र में तमाम लोगों का, सर्व समाज के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सर्व समाज ने वोट दिया है। क्या है, मेरे क्षेत्र में 36 बिरादरियाँ रहती हैं, 36 की 36 बिरादरियों ने मुझे वोट दिया है। क्या इसमें दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप, कोई भी गुजर, जाट, लोक दल के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेकर मुझे चुनाव जिताया है, इसलिए चुनाव लड़ाया है और ये जीती थी। हम चुनाव जीत कर हारे हैं, तो मेरे कार्यकर्ता तो आज भी मुझसे कह रहे हैं हमारे लिए तो विधायक हैं, हमारे लिए तो आप जीते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपने मुझे 1,00,000 से ज़्यादा वोट देकर, चलो ठीक है नहीं प्रमाण पत्र नहीं मिला, लेकिन आपने मुझे जिताया है। और वो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ रूटीनबाजी ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और संयम से अपने जीत का मजा लें, अपने जीत के लिए अच्छी तरीके से होली खेलें, गुलाल लगाएं, सब लोगों से भाईचारा बनाएं, ये अच्छा होगा। कम से कम ऐसा माहौल तो बना कर रखें कल को कोई भी आमने सामने मिले तो नजरें मिल जाएं, इस तरह की हरकत ना करें, मेरी अपील है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।